अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नतालिया परवेज़ और हम बस थोड़ी देर में न्यूज़ीलैंड पहुँचने वाले हैं और सुबह का टाइम है। वहीदा चाय बहुत अच्छी बनाती है और चाय की हम सबको तलब भी हो रही थी। आपकी तारीफ़ सुनिए, आप चाय बहुत अच्छे से बनाती हैं। ऐसा क्या करती हैं जो चाय बहुत अच्छे से बनाती हैं? मुझे खुद अभी पता चला चाय अच्छी बनाती है। जब पूछो वहीदा चाय बना दो, आप चाय तो बहुत अच्छी बनाती हैं, बताएं वजह क्या है? पता नहीं, ये मुझे खुद नहीं पता। क्या बात है, चाय वहीदा बना के लेकर आई है। वर्ल्ड बेस्ट चाय फ्रॉम वहीदा। पहले तो वहीदा का थैंक यू, आपने बड़ी ज़बरदस्त चाय बना के दी है हम लोगों को। बड़ा एंजॉय किया। सुबह सुबह चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सबको। बस थोड़े से सवाल करने थे। मैंने कहा आप सब लोगों का पहली दफ़ा का न्यूजीलैंड का टूर है, क्या आप लोगों के ख्यालात हैं? इतनी लंबी फ़्लाइट लेके हम जा रहे हैं, क्या सोचते हैं? हानिया, आप पहले बताओ। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पाकिस्तान की और यहाँ की कंडीशन टोटली डिफरेंट होती हैं। तो पीछे जो भी हमने ट्रेनिंग की है वो इसी के अकॉर्डिंग की है कि इसी यहाँ की जो कंडीशन है उसको हम जाके जल्दी से असेस करें और अच्छा परफॉर्म करें। गुड। हाँ जी वहीदा, चाय जो आपने इतनी अच्छी बना के दी है, चाय बनाने के अलावा आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस टूर के साथ? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब भी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह अपना पूरा परफॉर्म करूँगी और आगे अपनी टीम को जितवा सकूँ। गुड है। अच्छा जी नतालिया, हाँ जी आप बताएं। आप तो टीम की सबसे शरारती सी लड़की हैं और शरारतें ही करती रहती हैं। पूरी फ़्लाइट में हमने शरारतें की हैं सबके साथ। आप बताएं कि कैसी रही आपकी फ़्लाइट और क्या एक्सपेक्टेशंस है टूर से? पहले तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इंशाल्लाह जहाँ मौका मिला उसे अवेल करके मैं अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करूँगी और होपफुली जितना तैयारी की है और रिजल्ट हमारे हक में होंगे इंशाल्लाह। हाँ जी सदफ को न्यूजीलैंड आने का सबसे ज़्यादा शौक़ था और उसकी वो ख्वाहिश एक तो पूरी हुई और मौका मिला पाकिस्तान को दोबारा से रिप्रेजेंट करने का, न्यूजीलैंड में भी। हाँ जी बताएं, क्या ख्याल आते हैं आपके? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है न्यूजीलैंड में खेलने के लिए क्योंकि बिल्कुल अलग सिनेरियो है पाकिस्तान से और न्यूजीलैंड के। चैलेंजेस होंगे नए और चैलेंज लेना पसंद है मुझे, तो इंशाल्लाह अच्छा। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट पर्सन है जो वेरी फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड जा रही हैं, उसमें हैं शवाल ज़ुल्फ़कार। इनसे पूछते हैं कि आपकी फ़्लाइट कैसी रही और न्यूजीलैंड पहली दफ़ा आ रही हैं तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? मैं एक्साइटेड हूँ, पहली दफ़ा न्यूजीलैंड जा रही हूँ और वहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी है और हर लिहाज से अच्छी है, बैटिंग के लिहाज से भी अच्छी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं टीम के लिए बेस्ट करूँ और खुद के लिए भी बेस्ट करूँ और हम ये मैचेस अच्छे जीत कर जाएँ इंशाल्लाह ताला। मुझे पता है ये कंडीशंस शवाल को ज़्यादा ही पसंद है। फास्ट बॉलर्स पे हमेशा बड़ा अच्छा खेलती है। इंशाल्लाह ताला उसके लिए बड़ा लकी रहे और हमारा लिए भी बड़ा लकी रहे। हमारे साथ बैठी हैं जी हमारी विकेट कीपर बैटर नजिया अलवी। ये भी सेकेंड टाइम जा रही है, लेकिन क्योंकि अभी नई है टीम में तो पूछना चाहती हूँ कि कैसा इनकी एक्सपेक्टेशन? बस अभी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जाने की क्योंकि पहले भी गई हूँ लेकिन खेला नहीं था, तो पिच का आइडिया है तो इंशाअल्लाह यही कोशिश होगी कि अच्छा करें क्योंकि काफ़ी कंडीशन अच्छी होती है पर डिफ़िकल्ट भी होती है, डिफरेंट भी होती है, तो इंशाअल्लाह अच्छा करने की कोशिश होगी। चलिए वेल, अब ये मुझे बताएं कि ऑल टुगेदर सबके लिए सवाल ये है कि हम इस दफ़ा एक नए कॉम्बिनेशन से भी जा रहे हैं और 6-8 लड़कियाँ हमारी नई भी जा रही हैं, सीनियर्स भी आपके साथ, जूनियर्स भी, हम साथ मिल के एक यूनिट के तौर पर हम जा रहे हैं। क्या फील करती हैं कि पाकिस्तान की जो जो टीम है और जिस विजन से हम जा रहे हैं, क्या फील करती हैं कि अच्छा है कि एक एनर्जेटिक मूव लेकर आना पाकिस्तान टीम में कैसा रहेगा पाकिस्तान के लिए? एनीवन, कोई भी जवाब दे सकता है। आई थिंक कि आपके जो यंग प्लेयर होते हैं वो एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलते हैं, जितना वो उतना लर्न करते हैं। तो आई थिंक कि सीनियर जितना उनको मोटिवेट करेंगे और समझा के कंडीशंस के रिलेटेड लेकर चलेंगे तो उनके लिए भी सीखने में आसानी होती है और वो अच्छा खेलने की। आई थिंक ये सीनियर और जूनियर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो काफ़ी इफेक्ट करता है, टीम को भी फ़ायदा देता है और आपकी ग्रूमिंग के लिए भी। वेरी गुड। एनीवन और कोई जवाब देना चाहता है और कोई इनपुट देना चाहता है? नतालिया आप बताएं, क्या फील करती हैं? मैं यही सदर की बात से एग्री करूँगी, सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छे आते हैं। क्योंकि सीनियर्स गाइड भी करते हैं और जूनियर थोड़े नडर होके फर्स्ट टूअर होता है तो अच्छा भी खेलते हैं तो अच्छा है। बिल्कुल मैं दोनों की बात सेकंड करूंगी क्योंकि सीनियर्स के लिए भी चैलेंज होना चाहिए कि जो हमारे यंग बच्चे जो हैं वो आपको पुश करने के लिए आ रहे हैं और डेफिनेटली एक पुश मिलना चाहिए उन लोगों के लिए भी वो होना चाहिए जो काफ़ी टाइम से खेल भी रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ भी हैं। उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन भी होती है बड़ा एनर्जी भी फील होती है आप लोगों से जब आप लोग आके बात करते हो आप लोग पूछते हो तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल बनता है और मैं भी इंजॉय करती हूँ जब सब आप लोग कोई ना कोई बात मुझसे टिप ले रहे होते हो इधर क्या करना है उधर क्या करना है। मेरे एक्सपीरियंस में भी इजाफा होता है नॉलेज में भी इजाफा होता है और प्लेयर्स को अंडरस्टैंड करने का बड़ा मज़ा आता है उस टाइम। तो होपफुली इंशाल्लाह आपका ये टूर बहुत अच्छा गुजरे इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम ढेर सारी कामयाबियाँ ला के दें। चैलेंजेस लेने हैं सब ने और चैलेंज एक्सेप्ट करके चलना है और किसी चीज़ से घबराना नहीं है। हम सब साथ एक दूसरे को बैक करेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को अच्छी से विन दिलवा के देंगे।